अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये आज सुबह कहाँ से आ गई सुबह सुबह, तो आज मैं खुशी से आई हूँ। सबसे पहले तो आई लव यू कसमें, मतलब क्या, मतलब मैं कहती नहीं थी इसलिए आप लोग लाइक नहीं करते थे हैं। जिन सारे एपिसोड पे किसी पे 220, किसी पे 240, किसी से 260, हद मकाम 260 तक गया। और आज मैंने बोला कि मुझे 400 लाइक चाहिए, तो आप लोग 450 तक पहुंच गए। वाह वाह क्या बात है। मतलब जब तक बंदा बोलेगा नहीं तब तक आप लोगों ने लाइक नहीं करना। अब तो मैं रोज़ बोलूँगी, हर एपिसोड के एंड पे बोलूँगी मुझे लाइक्स चाहिए। अरीज बहुत लालची है, अरीज लाइक्स के बगैर नहीं रह सकती, और आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों ने मुझे खुश किया है, तो मैं भी आज जल्दी आ गई हूँ, थोड़ी सी जल्दी ही आ सकती हूँ। रमज़ान में सरप्राइज मत मांगना मुझसे, मैं एपिसोड ही बड़ी मुश्किल से लिख पाती हूँ। तो सबसे पहले जो बात है वो है आज के एपिसोड से रोमांटिक है। तो वो जो निक्की निक्की बच्चियाँ हैं, नन्नी मासूम बच्चियाँ जो कल ही पैदा हुई हैं, मुँह में चूसनी लेके बैठी हुई हैं, तो वो तो ज़रा साइड पे हो जाएं, क्योंकि उनके लिए ये एपिसोड नहीं पड़ने वाली। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड, बल्कि पहले रिव्यूज़ की तरफ आते हैं। तो आज के यार आर्यन माही, ये नया नाम आया है हमारा, और ये आई लव यू टू, बस इतना ही कह सकती हूँ। आर्यन माही, पता नहीं आप कौन हो, और आज मैंने आपको पहली दफ़ा देखा है आई थिंक। तो रोज़ आओ, अपनी हाजिरी लगवाओ, तो आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो नेक्स्ट है हमारी मेरी फेवरेट सुजैन शेख, यार ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, एवर फेवरेट है। ये बहुत तफसील से तबसरा करते थे, पढ़ते हुए मज़ा आ जाता है। वैसे तो आप यहाँ पर रोक कर भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप लोग लाइक कर दिया करो साथ में, ताकि अगले बंदे का भी हौसला हो जाता है कि सिर्फ अरीज ही रिव्यू नहीं पढ़ती, बाकी सारे लोग भी रिव्यू पढ़ते हैं। और उसके बाद अननोन का रिव्यू मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उनका भी रिव्यू यहाँ पर लगाया है। तो आप कल परसों तरसों किधर थी, 3 दिन का हिसाब दो, मुझे एप्लीकेशन भी नहीं भेजी छुट्टियों की। और उसके बाद अंजिला जुल्फ़िकार, अनीज़ा जुल्फ़िकार, सॉरी मैं ना हमेशा उल्टा सीधा नाम ले लेती हूँ। तो वेरी वेरी नाइस, इनका भी रिव्यू बहुत मज़े का है। और सॉरी मैं आपका नाम फिर से गलत बोलती हूँ, यार मैं क्या करूँ, मैं तेज़ तेज़ जब मैं बोलती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता मैं क्या बोलती हूँ। तो आपका नाम है अनीज़ा जुल्फ़िकार, हाँ, और अनीज़ा नाम मैं अपने नावल में भी रखूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत प्यारा नाम है आपका, अल्लाह बहुत 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 अल्लाह पाक नसीब भी ऐसे प्यारे प्यारे करे। और उसके बाद हमारे शेख तारिक, इनका भी मुझे बहुत पसंद है रिव्यू, ये भी काफ़ी तफसील से रिव्यू देती हैं। तो यार आप लोग भी मुझे बता देना कहीं मैंने आपका नाम तो गलत नहीं लिया ना। तो उसके बाद यार मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो जाती है, तो आप लोग मुझे बता दिया करो। उसके बाद इट्स हीर, हाँ ये वो बंदी है जिसको मैंने अयाम दिया था, वो भी क्या बोलते हैं उसको, नावल शुरू होने से पहले, और ये बंदी हाजिरी नहीं लगवाती, इसको छितर की कमी है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी नबाहान, ये तो मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, इनके भी बहुत मज़े के रिव्यू होते हैं, तो आप भी लाजमी पढ़े। फातिमा गुलगुल, इनका रिव्यू बहुत मज़े का होता है, और आप लोगों ने इनका भी रिव्यू पढ़ना है, और मज़ा ना आए तो पैसे वापस, जो आपने दिए ही नहीं है तो दिए नहीं है, तो ये भी समझ लेना जो दिए नहीं है वो वापस भी नहीं हो सकते। तो अब हम चलो आज के एपिसोड रीड करते हैं। और जिन लोगों को मेरे रिव्यू पढ़ने से प्रॉब्लम है भाई स्किप कर दिया करो, अगर आप लोगों को रिव्यू मेरा पढ़ना पसंद नहीं आता या मेरी बकबक एंड से स्टार्टिंग से अच्छी नहीं लगती, तो आप लोग स्किप करके अपना आगे काम चला लिया करो। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड, वहशत जुनून किस्त नंबर 36, तहरीर अरीज शाह। एयरपोर्ट पर पहले ही गाड़ी इनका इंतज़ार कर रही थी, जिस होटल में इनकी रिहाइश थी इस होटल से ही गाड़ी इन्हें लेने के लिए भेजी गई थी, ताकि इन्हें कोई मसला ना हो। अयाम के लिए यहाँ कुछ भी नया या अलग नहीं था, और अयाम के मुताबिक रूही भी इसके साथ 2 सालों से आधी दुनिया घूम चुकी थी। ये अलग बात थी कि इस बात से रूही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसके लिए सब कुछ एक जैसा ही था। वो पाकिस्तान में भी मज़े से अपने टैब पर गेम खेल सकती थी, और पाकिस्तान से बाहर भी, हाँ लेकिन इसे जहाज़ का सफ़र अच्छा लगता था, क्योंकि वो खिड़की से नीचे देखते हुए काफ़ी इंजॉय करती थी।
और कुछ इसे पसंद हो या ना हो, लेकिन अपनी आंखों से बादलों को इतने करीब देखते इसे बहुत मज़ा आता था। वो बादलों पर बैठकर आसमान में उड़ भी सकती थी, लेकिन जहाज़ के खिड़के और दरवाजे बंद थे। हीर की तो ये ज़िंदगी की दूसरी फ्लाइट थी, जिसमें वो पाकिस्तान जाने के बजाय मैनचेस्टर जा रही थी। इसने ना तो कभी मुल्क से बाहर जाने के बारे में सोचा था और ना ही इसे ऐसी कोई ख्वाहिश थी। जबकि आयाम अपनी मीटिंग के सिलसिले में अक्सर कहीं ना कहीं जाता रहता था। सियासत ना तो इसका शौक़ था और ना ही वो सियासत में दिलचस्पी रखता था, ये सिर्फ इसकी मजबूरी थी। इसके इलाके के लोगों ने इस पर यकीन किया था और वो इन लोगों का यकीन तोड़ नहीं सकता था। इसकी वजह से इसने इन लोगों की बात मान ली थी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि वो अपने बाप दादा के बिज़नेस को यूं ही छोड़ देगा। इसके बाप दादा ने बहुत मेहनत से ये सब कुछ खड़ा किया था और वो अपनी ज़रा सी लापरवाही में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर सकता था। कभी कभी तो हीर परेशान होती थी, वो इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता था, लेकिन शायद अब इसे भी आदत हो चुकी थी। वो सब कुछ संभाल लेता था। जहां वो सियासत में एक बेहतरीन मकाम हासिल कर चुका था, वहीं अपने बिज़नेस को भी वो तरक्कियों की बुलंदियों पर लेकर जा रहा था। हीर ने कभी इससे इसकी फैमिली के बारे में बात नहीं की थी और आयाम ने भी इसे बस इतना ही बताया था कि इसके बाबा ने इसकी मॉम से शादी कर ली थी और फिर वो ज़्यादा पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन अपने दादा जान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो पाकिस्तान में रहने लगा था और बस इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन हीर सोच रही थी कि वो आयाम से इसकी फैमिली के मुतल्लिक ज़रूर पूछेगी और खासकर रूही के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगी। रूही इसकी बेटी थी तो इसका हक बनता था कि इसे रूही के बारे में सब कुछ पता हो। वो रूही की माँ के बारे में इसकी पैदाइश से लेकर अब तक सब कुछ जानने में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन इसने नोट किया था कि आयाम इसे कुछ भी नहीं बताता था। आयाम चेकिंग के लिए जा रहा था जबकि एक वर्कर इसे कमरे तक छोड़कर खुद चला गया था। वो रूही के साथ अंदर आ गई थी। सफ़र ने अच्छा खासा थका दिया था। फ्लाइट में वो सो नहीं पाई थी, जबकि आयाम और रूही काफ़ी देर सोए थे। अब इसे थकावट की वजह से अच्छी खासी नींद आ रही थी। काफ़ी देर आयाम का इंतज़ार करने के बाद रूही को लेकर वो बेड पर लेट गई थी। रूही अपने टैब पर गेम खेल रही थी जबकि इसे नींद के झटके लग रहे थे। पता नहीं आयाम ने कब तक वापस कमरे में आना था। मामा दानी आप तो नींद आ ली है। मामा जानी आपको नींद आ रही है। रूही जो अपने टैब पर लगी हुई होने के बावजूद भी इससे कुछ ना कुछ पूछ रही थी, इसकी आंखें बंद करके लेटने और झटका लेने पर इसका हाथ हिलाकर बोली तो इसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। जब अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कमरे में दाखिल हुआ, वो तो बिल्कुल फ्रेश था। यकीनन वो बहुत अच्छे तरीके से नींद पूरी कर चुका था और रूही का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो आयाम के पास आते हुए बड़े मज़े से इसकी नींद के झटके की स्टोरी सुना रही थी। वो इसे छोटी बच्ची समझती थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि रूही सबकी दादी अम्मा थी। इसने तो मना भी किया था कि इसे नींद नहीं आ रही, लेकिन इसे सब पता था और इस वक्त अपनी स्टोरी में वो इसे कार्टून वाला बालू बना रही थी जो किसी फिल्म में ऐसे ही झटके खा कर सोता है। वो दोनों बाप बेटी इसका खूब मजाक उड़ा रहे थे, जबकि इन दोनों के शोर शराबे के बीच इस पर पूरी तरह नींद गालिब होने लगी। और फिर जैसे हीर को इस पर तरस आ गया और रूही को बाहर घुमाने के बहाने ले जाने लगा और जाते हुए इसे कह दिया कि अपनी नींद पूरी कर लो, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया। जहां वो इसके इस एहसान पर इसकी शुक्रगुजार थी,
वहीं इसके गाल दहकने लगे थे इसकी बेबाक बात पर, जबकि इसकी बेबाक नज़रें खुद पर महसूस करती वो चेहरे तक कंफर्टर लेकर लेट गई थी। फिर नींद कब मेहरबान हुई इसे खुद भी बताना चला, और वो दोनों कहाँ चले गए और कब तक वापस आने वाले थे इसे कोई होश ना था। इस वक्त इसे सिर्फ अपनी नींद पूरी करनी थी, जो कि अब वो कर रही थी। आयाम और रूही ने कब तक वापस आना था इसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसे पता था तब तक वो रूही को वापस नहीं लाएगा जब तक इसे यकीन ना हो जाए कि हीर अपनी नींद पूरी कर चुकी है। आयाम सिकंदर को पाकर वो खुद पर नाज़ा होती थी। वो जितना खुदा का शुक्र अदा करती कम था, क्योंकि इतना समझने और चाहने वाला शोहर भी किस्मत वालों को ही मिलता है। वो काफ़ी देर के बाद वापस आए थे। अगर ये कहा जाए कि 5 से 6 घंटों के बाद, तो भी गलत ना होगा। इसने कमरे में कदम रखा तो वो बिस्तर में घुसी हुई थी, जबकि इसके कंधे से लगी रूही भी गहरी नींद में उतर चुकी थी। वो रूही को चिल्ड्रन पार्क लेकर गया था, जो यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर था, और वहाँ उन्होंने बहुत इंजॉय किया था। छोटे छोटे और भी काफ़ी बच्चे थे जिनके साथ रूही ने अपना अच्छा वक्त गुजारा था। इसे पता था हीर थक चुकी होगी, क्योंकि जहाज़ में वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, और फिर यहाँ कमरे में रूही थी इसे हर वक्त तंग करने के लिए, जिसकी मौजूदगी में वो सो तो हरगिज़ नहीं पाती। इसने नोट किया था वो ज़रा से शोर से भी अपनी नींद पूरी नहीं कर सकती थी, इसीलिए इसे परसकून नींद देने के लिए वो रूही को अपने साथ बाहर ले गया था, जहाँ चिल्ड्रन पार्क में इसने बहुत इंजॉय किया था और अब खेल खेल कर थक हार कर सो गई थी। इसने अपने रूम में रूही के लिए अलग सिंगल बेड लगवाया था, क्योंकि रूही को आजकल अलग बेड पर सोने का अजीब किस्म का जुनून सवार था, और वो अपनी बेटी की कोई ख्वाहिश पूरी ना करे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वो रूही को इसके बेड पर लेटाता, नरमी से इसके माथे को चूमते हुए कंबल डाल चुका था। फ्लाइट लेने के बाद वो खुद भी थक चुका था, और फिर आज रूही ने भी इसे नचा नचा कर अच्छा खासा थका दिया था। लेकिन इसकी थकावट नींद हरगिज़ पूरी नहीं कर सकती थी। इसकी थकावट तो सिर्फ इसकी खूबसूरत बीवी ही उतार सकती थी। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए इसके करीब आया, और फिर दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसके लबों को कैद कर लिया, जो पता नहीं कौन से मीठे ख्वाबों के जहरे असर थी, खुद पर इसका जकाओ महसूस करके हड़बड़ा सी गई। आयाम वो सोई जागी कैफियत में इसे देखती सिर्फ इसका नाम ही पुकार पाई थी, जबकि वो हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता इसे अपने करीब तर करके इसकी नींदों को भगाने का सबब बना। हीर अपने चेहरे पर जा बजा इसके लबों का लम्स महसूस करती ज़रा सा कसमसाई थी, लेकिन आयाम ने इसके लबों पर झुकते हुए इसे हर तरह की मजाहमत से रोक दिया। रूही की मामा जानी को इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती है? इसके लबों पर अपने लब रखे वो हल्की सी बड़बड़ाहट के साथ बोला, तो हीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि रूही के बाबा जानी को नींद नहीं आती, बल्कि वो तो दूसरों की नींदें ख़राब करने आ जाते हैं। वो मुंह बना कर बोली, वैसे मैं तुम्हारी नींद ख़राब बिल्कुल नहीं कर रहा था। तुमने 6 घंटों की भरपूर नींद ली है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा ही दिया है, तो फिर मैं तुम्हारी नींद को ठीक से ख़राब करके बताता हूँ। वो इसकी कमर को झटका देता इसे अपने मज़ीद करीब करते हुए, इसके बालों को एक हाथ में फंसाता इसकी गर्दन पर जा बजा अपनी मोहब्बत का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर चुका था। जबकि इसकी बाहों में खुद को महफूज महसूस करती हीर ने अपनी आँखें बंद कर ली थी।
वाओ आयाम साहब, कितनी प्यारी जगह पर लेकर आए हैं आप। ये लंबी लंबी सड़कें, ये लंबी लंबी इमारतें मैंने तो कराची में कभी देखी ही नहीं थी। इसीलिए तो आप मुझे मैनचेस्टर में लाकर दिखा रहे हैं। इससे बेहतर था कि हम हनीमून के लिए कराची चले जाते, कम से कम इससे ज़्यादा खूबसूरती तो देख सकते थे। मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत सड़कें तो दुनिया में देखी ही नहीं है। वो इसके साथ सड़क पर चलती अच्छी हासी मायूस हुई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसके साथ चल रहा था और रूही इसका हाथ थामे अपनी ही मस्ती में आइसक्रीम खा रही थी। यार इतने मुंह क्यों बना रही हो? माना कि यहाँ बहुत अच्छे नज़ारे नहीं हैं, लेकिन देखो कितनी साफ़ सुथरी और प्यारी सी सड़कें हैं। आयाम इसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लाया था। इसके तबसरे पर पहले तो खूब महसूस हुआ, लेकिन इसे लग रहा था कि इसने वाकई हीर के साथ ज़्यादती कर दी है। एक तो इसे इमारतें और सड़कें देखने में दिलचस्पी ना थी, और ऊपर से जिस जगह वो रहने वाले थे वहाँ सड़कों के अलावा और कुछ था ही नहीं। इसे सबसे बेहतरीन मैनचेस्टर का यही होटल लगा था, जिसकी वजह से इसने अपनी यहीं पर बुकिंग करवा ली थी। लेकिन अब इसे अफसोस हो रहा था, वो इस इलाके के बजाय किसी हल्के फुल्के नज़ारे वाली जगह पर बुकिंग करवाता तो इसकी बीवी तो खुश हो जाती। अरे यार, मैं तुम्हें ये सड़कें देखने के लिए बाहर हरगिज़ नहीं लाया था। मैं तो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए लाया था। इसमें भी कोई फ्लेवर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? चलो आओ हम पार्क की तरफ चलते हैं, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। आयाम ने इसे मनाने की नन्ही सी कोशिश की थी, जब अचानक हीर ने अपने पीछे की तरफ देखा। आयाम अचानक इसके मुड़ने पर हैरान हुआ था। क्या हुआ मेरी जान, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? इसके अचानक हाथ पकड़ने पर आयाम पूछे बिना ना रह सका, जबकि वो अजीब से अंदाज में आगे पीछे हर तरफ देख रही थी, जैसे कोई जाना पहचाना इंसान इसने देख लिया हो। आयाम, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है, और अब से नहीं, जब से हम होटल से निकले हैं ना, तब से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, कोई हम पर नज़र रखे हुए है। मैंने पहले भी देखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझसे कहीं नज़र नहीं आया, पर मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। पहले हम होटल वापस चलते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। वो इसका बाजू मजबूती से पकड़ते हुए बोली। आयाम ने इसे अपने साथ लगा लिया। मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई हमें देख रहा है तो क्या हुआ? अब इतना प्यारा कपल है, कोई ना कोई तो ज़रूर देखेगा, लेकिन हमें नज़र नहीं लगवानी चाहिए, इसीलिए हम पार्क की तरफ चलना चाहिए। चलो हम पार्क की तरफ चलते हैं। वो इसका डर कम करने की कोशिश करता रूही को गोद में लेता इसका हाथ थामे आगे की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो इसके बाजू के साथ लगी एक बार फिर से आगे पीछे देख रही थी। लेकिन आयाम ने इसे ज़्यादा देर इस जगह पर नहीं रखा था। वो तकरीबन एक घंटा पार्क में गुजार कर वापस होटल की तरफ जा रहे थे। इसने यहाँ आते ही रेंट पर एक गाड़ी ली थी, लेकिन इस वक्त वो इसके साथ पैदल मार्च ही कर रहा था, क्योंकि वो होटल के आसपास ही आए थे, वो भी सिर्फ रूही की ज़िद पर। बाबा जानी फ्लावर शॉप। हीर जो इसकी गोद में थी अचानक से सामने वाली दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोली। इसकी तरह इसकी बेटी को भी फूल बहुत अट्रैक्ट करते थे। इसने सामने देखा, जहां बाहर बहुत सारे फूल ही फूल थे, हर नस्ल हर रंग के फूल वहां मौजूद थे, जबकि इनके पीछे बैठी
एक प्यारी सी खातून शायद इनको सेल कर रही थी। इसने मुस्कुराते हुए हीर को उस तरफ चलने का इशारा किया तो वो भी इसके साथ वहाँ चली आई। हेलो यंग ब्यूटीफुल कपल, कैसे हो तुम दोनों? ये प्रिंसेस तुम दोनों की बेटी है। बोलो, क्या तुम्हें अपनी प्यारी सी बीवी के लिए एक खूबसूरत फूल चाहिए? रुको, मैं तुम्हें देती हूँ। ये प्यारा सा फूल तुम्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को देना चाहिए। वो एक बेहद खूबसूरत फूल इसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर इंग्लिश में बोली थी, जबकि आयाम भी इनके अंदाज पर मुस्कुराकर फूल को थाम चुका था और अब अपनी जेब से इसकी पेमेंट निकाल कर इनके हवाले करने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैसे थाम लिए थे जो इस फूल की कीमत से काफ़ी ज़्यादा थे। क्या तुम्हें और भी फूल चाहिए या तुम्हें चेंज दूँ? इन खातून ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर पूछा था। नहीं, मुझे और फूल नहीं चाहिए और मुझे चेंज भी नहीं चाहिए। इसने अब तक वो खूबसूरत फूल अपने हाथ में थामा हुआ था जिसकी हीर काफ़ी देर से मुंतज़िर थी, क्योंकि वो सच में बे इंतहा खूबसूरत था। अगर इस दुकान का सबसे खूबसूरत फूल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस फूल की कीमत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत कीमती है, और वैसे भी इस फूल को मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को देने वाला हूँ। शायद मैं इस फूल की खूबसूरती की कीमत भी अदा ना कर पाऊँ। इसकी बात सुनकर हीर ने हाथ फूल की जानिब बढ़ाया था, लेकिन इसने मुस्कुराते हुए फूल इन खातून की तरफ बढ़ा दिया। ये फूल तुम मुझे वापस क्यों कर रहे हो? वो हैरान हुई थी, जबकि हीर ने भी अपना हाथ नीचे कर लिया था। इसकी इस बात को तो वो खुद भी समझ नहीं पाई थी, क्योंकि इस वक्त मेरी नज़र में यहाँ सबसे खूबसूरत आप हैं और शायद इस फूल को आपसे ज़्यादा किसी को सूट भी नहीं करेगा। क्या आप ये खूबसूरत फूल मेरी तरफ से कबूल करेंगी? इसका अंदाज बेहद दिलकश था। हीर के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि वो 70 से 80 साल खातून भी मुस्कुराहट के साथ इस फूल को कबूल कर चुकी थी। इनके चेहरे पर खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट खिल गई थी। मुझे यकीन है कि तुम बहुत रोमांटिक इंसान हो, वो इसकी ज़ात पर तबसरा करते हुए बोली, तो इनका कमंट इसने हक से वसूल करते हुए अपने सीने पर हाथ रख कर सर को हम दिया था। तुम्हें भी फूल चाहिए क्या? वो इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला। मैं बदले में आपको रोमांटिक नहीं बोलूँगी, इसने जैसे फूल लेने की शर्त रखी थी। तुम्हें मुझे रोमांटिक कहने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरा रोमांस महसूस कर लेना, तुम्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना रोमांटिक इंसान हूँ। वो बड़े मज़े से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब करता, इसके लबों पर मीठी सी जसारत करता पीछे हटा था। हीर इसे घूर कर रह गई थी, जबकि नज़र कभी रूही पर तो कभी उन खातून पर जाती जो इसके लिए सबसे खूबसूरत फूल ढूंढ रही थी, जबकि रूही अपने ही देहान में फूलों पर गौर व फिक्र कर रही थी। आप रोमांटिक नहीं, इंतहाई बेशरम इंसान हैं, इसने अपनी तरफ से तबसरा किया था, जिस पर आयाम कैका लगाकर हंसा। इसे ये नाम भी पसंद आया था या वो ज़रूरत से ज़्यादा डीट हो गया था कि इस पर इसकी कोई बात असर ही नहीं कर रही थी। एपिसोड मुक गई ये एंड पर, मेरा परलो नेक्स्ट एपिसोड आएगी 450 लाइक पे। हाँ जी, क्योंकि कल आप लोगों ने जैसा कि मुझे बहुत खुश किया है, तो मैं ऐसे रोज़ खुश होना चाहती हूँ। और पता है, जब आप लोग खुश करते हो ना, बंदा जोश में और भी लिखता है। तो आप मेरा जोश बढ़ाओ और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक दो, फिर हो सकता है मैं भी सरप्राइज़ लिखूँ। यार, रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो लोग दूसरे नावल के बारे में पूछ रहे हैं उनको इतने कहूँगी, यार मैं सुबह यूनी और फिर शाम को घर आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी उस नावल को दोबारा से शुरू कर। तो बहुत ज़्यादा एपिसोड नहीं, उसकी कोई 8 से 10 किस्तें रह गई हैं मेते मेरा दिल बढ़ जाने की, तो इंशाल्लाह वो भी हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। असल में हुआ ये, आपको नहीं पता ना,
हुआ ये है कि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था और मैं सेकंड लास्ट एपिसोड उस दिन लिख ली रही थी, तो मेरा सारा नावल पीछे से डिलीट हो गया। वैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं नावल लिखते लिखते ना साथ में मैं सेंड करती जाती हूँ अरीज को, अरी सलीम को, तो उसके पास ना मेरा सेव रहता है। लेकिन यहाँ पर ना मैंने जैसे वो मुझे कहती है कि तू बहुत खोतापन करती है, तो यहाँ पे मैंने खोतापन करते हुए ना उस नावल को उसे सेंट नहीं किया, और वो जो सेकंड लास्ट एपिसोड तक गया था यानी कि 9 किस्तें थी, सारी की सारी डिलीट हो गई। अभी मैं दिल नहीं कर रहा उसको दोबारा से लिखने का, तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम जल्दी उसको भी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप अपनी डायरी को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें और 450 लाइक पूरे करने हैं। तो हाफिज़।